हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। ये कैसी विडंबना है मैया, एक ओर मेरा पुत्र पृथ्वीपति बन गया है और दूसरी ओर मेरा पति मुझे छोड़कर चला गया है। मुझे नहीं समझ आ रहा, मैं खुशी मनाऊं या रोऊं। पुत्री, इसे ही काल चक्र कहते हैं, जिसके चार पहिए हैं, जीवन, मृत्यु, सुख और दुख। जीवन के बाद मृत्यु और सुख के बाद दुख। प्रणाम प्रभु। शुभम भवतु। आप उदास क्यों हैं देवी? मैं असमंजस की पत्नी प्रतिभा के दुख से द्रवित हो गई हूँ प्रभु। मैं उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकी। मैं उत्तर नहीं दे सकी प्रभु कि मेरे पृथ्वी लोक पर होने वाले अवतरण के लिए सूर्यवंशी कुल को ही माध्यम क्यों बनाया गया। रो क्यों रही हो पुत्री? तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए, तुम्हारा पुत्र अंशुमान अयोध्या का राजा बन गया है, पृथ्वी का चक्रवर्ती सम्राट बन गया है। ये कैसी विडंबना है मैया, एक ओर मेरा पुत्र पृथ्वीपति बन गया है और दूसरी ओर मेरा पति मुझे छोड़कर चला गया है। मुझे नहीं समझ आ रहा, मैं खुशी मनाऊं या रोऊं। पुत्री, इसे ही काल चक्र कहते हैं, जिसके चार पहिए हैं, जीवन, मृत्यु, सुख और दुख। जीवन के बाद मृत्यु और सुख के बाद दुख। तुम व्यथित क्यों हो? घटनाएं ही ऐसी घट रही हैं मैया कि मन विचलित हो जाता है, व्यथित हो जाता है। हम अश्वमेघ यज्ञ का आनंद मना रहे थे कि 60,000 पुत्रों की मृत्यु का समाचार मिला। तत्पश्चात मेरे पति हमें छोड़कर चले गए। हम अपने बेटे के राजा बनने का आनंद कैसे मना सकते हैं? तुम ऐसा क्यों सोच रही हो पुत्री? क्यों नहीं आनंद मना सकती तुम? ये जानकर कि पिताश्री तपस्या करने जाएंगे, आनंद मन में उठने को ही तैयार नहीं। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, सुना है, परंतु यहाँ तो मैं खो ही रही हूँ और भविष्य में भी खोना ही खोना है। ये प्रभु की लीला है पुत्री, प्रभु पृथ्वी लोक का कल्याण चाहते हैं। परंतु पृथ्वी लोक के कल्याण के लिए हमारे वंश का कल्याण क्यों कर रहे हैं? क्यों सारे दुख हमारी ही झोली में डाल रहे हैं? गंगा मैया, मुझे क्षमा कर दो। प्रणाम प्रभु। शुभम भवतु। आप उदास क्यों हैं देवी? मैं असमंजस की पत्नी प्रतिभा के दुख से द्रवित हो गई हूँ प्रभु। मैं उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकी। मैं उत्तर नहीं दे सकी प्रभु कि मेरे पृथ्वी लोक पर होने वाले अवतरण के लिए सूर्यवंशी कुल को ही माध्यम क्यों बनाया गया। देवी गंगा, क्या पृथ्वी लोक पर ऐसा कोई कुल है जो अयोध्या के सूर्यवंशी कुल की पुण्य शक्ति की बराबरी कर सकता है? क्या पृथ्वी लोक पर ऐसा कोई दूसरा कुल है जो अयोध्या के सूर्यवंशी कुल की भांति धर्म, न्याय, सदाचार, सद्विचार इन चतुर सूत्री का पालन करता है? देवी गंगा, अयोध्या के सूर्यवंशी कुल ने सदा देवताओं की सहायता की है,
सगर के पूर्वज मानधाता अम्बरीश हरिश्चंद सब मेरे ही भक्त थे। उन्होंने अपनी शक्ति से प्राप्त हुई शक्ति अपने कुल को दी है। मनु से आरंभ हुआ ये सृष्टि का प्रथम कुल है देवी। आपकी भांति पवित्र निष्पाप और मेरा परम भक्त देवी गंगा। महर्षि वशिष्ठ ने राजा सगर से कहा कि आप जैसी पवित्र पावनी पाप ताप शाप नाशनी के पृथ्वी लोक पर होने वाले अवतरण के लिए पृथ्वी लोक का वातावरण पवित्र होना चाहिए। परंतु केवल वातावरण ही नहीं, आपके अवतरण के लिए माध्यम भी तो पवित्र होना चाहिए। इसी कारण सूर्यवंशी कुल का माध्यम चुना गया है देवी। मैं अनुग्रहित हुई प्रभु।